चिप्स आप लोग खाते हैं उसके पैकेट्स को देख के आपको ये अक्सर लगता होगा कि कंपनी वाले पैकेट्स में सिर्फ हवा भर के बेच रहे हैं, इसमें चिप्स तो नाम मात्र के होते हैं और ये हमें ठग रहे हैं। लेकिन जिस हवा के बारे में आप लोग कंप्लेन करते हैं ना, वो नॉर्मल हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। और एक्चुअली वो नाइट्रोजन ही है जिसकी वजह से पैकेट का चिप्स इतना क्रिस्पी रह जाता है, यानी कि नाइट्रोजन चिप्स को प्रिजर्व करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन एक और काम करती है, जब चिप्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब ये चिप्स आपस में टकरा टकरा के चूर चूर ना हो जाए, इसको बचाने के लिए नाइट्रोजन एक कुशन की तरह काम करती है। अब आप जान गए होंगे कि इस हवा के पीछे का राज क्या है। ये चिप्स के पैकेट्स के अंदर की हवा का फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कांच इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे खूबसूरत मटेरियल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांच को मिट्टी यानी कि रेत से बनाया जाता है? जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, कांच को रेत से बनाया जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए मिट्टी को यानी कि रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना पड़ता है। जी हां, इतने हाई टेम्परेचर पर, और उसके बाद वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो सॉलिड के जैसा लगने लगता है, लेकिन वो एक्चुअली सॉलिड नहीं होता। साइंटिस्ट इसे एमोर्फस सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि कांच को मोल्ड करना बहुत ही आसान है और कांच रिसाइक्लेबल भी होता है। कांच के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप कौन से टाइप का टूथपेस्ट यूज करते हो? जी नहीं, मैं ब्रांड नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने अपने टूथपेस्ट को पलट के उसके पीछे ग्रीन या रेड मार्क चेक किया है, जैसे कि वेज और नॉन वेज के पीछे होता है। जी हाँ गाइस, ये ग्रीन या रेड मार्क आपके टूथपेस्ट के टाइप को बताते हैं। जैसे कि अगर ग्रीन कलर हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, मतलब यूज करने लायक है। अगर इसके पीछे ब्लू कलर हो तो इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को ऐड किया गया है, वो और भी अच्छा है। लेकिन अगर रेड कलर मिले तो वो खतरनाक है, क्योंकि उसमें नेचुरल के साथ साथ केमिकल्स भी ऐड किए हुए हैं। लेकिन सबसे खतरनाक होता है ब्लैक कलर, जिसका मतलब यह है कि वो टोटली केमिकल से बनाया गया है, और अगर आपको ब्लैक कलर दिखे तो उसे तुरंत फेंक देना। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपके टूथपेस्ट के पीछे कौन से कलर का बॉक्स है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताता हूं। स्वीडन का एक शहर है जिसका नाम है एस्किल्स्टुना, और वहां की गवर्नमेंट ने वहां के भिखारियों पर लाइसेंस फीस लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अगर वहां के भिखारियों को भीख मांगनी है तो उन्हें 21 पौंड यानी लगभग 1800 रुपए देके एक लाइसेंस खरीदना होगा, जिसकी वैलिडिटी मात्र 3 महीने है, और उसके बाद ही वो वहां पे भीख मांग पाएंगे। और अगर बिना लाइसेंस के वो भीख मांगते पकड़े गए तो उन्हें 342 पौंड यानी कि लगभग 30,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वहां की गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों उठाया होगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या हो अगर आप किसी इंसान की किडनी अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवाएं और उस इंसान की यादें आपके अंदर आ जाएं? क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। इस पूरी ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों को वही विचार, शौक या आदतें आने लगती हैं जो कि अंग दान करने वाले इंसान की थी। और इसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास अपना एक छोटा सा दिमाग होता है, जिसमें वो यादों को स्टोर करके रख सकता है। इसे देख के तो यूं ही लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है, जिसका जवाब विज्ञान को देना है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक घटना है तमिलनाडु के पोथुगुड़ी गांव की, जहां के रहने वाले करपू नामक एक लड़के के घर के पास पूरे ही गांव का स्ट्रीट लाइट का मेन स्विच था। जैसे ही शाम होती वो स्विच को ऑन करता और पूरे गांव में रोशनी आती। लेकिन एक दिन जब वो स्विच को ऑन करने गया तो वहां पर एक दुर्लभ पक्षी को उसने बैठा पाया 3 अंडों के साथ। उसने उसका फोटो लिया और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए लिखा कि जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते, इस मेन स्विच को कोई भी हाथ ना लगाए। गांव वालों ने आर्गुमेंट किया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझाते हुए पूछा कि बचपन में जिन पक्षियों को आप लोगों ने देखा था, क्या वो आज दिखाई देते हैं? तब गांव वालों को समझ में आ गया कि इन पक्षियों को लुप्त होने से अगर हमें बचाना है तो हमें जागना होगा।
उसके बाद से लगातार 35 दिनों तक गांव वालों ने मेन स्विच को हाथ भी नहीं लगाया और गांव वाले अंधेरे में रहे जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ गए, और ऐसा करके गांव वालों ने इंसानियत को जिंदा रखा। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके आपने कभी सोचा है कि ऑयल या फिर वाटर के टैंकर हमेशा गोली क्यों बनाए जाते हैं, जबकि अगर क्यूबिकल शेप में बनाए तो टैंकर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, फिर भी हम लोग ऐसा नहीं करते, इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी किसी लिक्विड को किसी बॉडी में कैरी किया जाता है तो वो लिक्विड बॉडी के कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से कॉर्नर्स के क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है और लिक्विड वहां से लीक भी हो सकता है। इसके विपरीत अगर बॉडी गोल हुई तो वहां पर कोई कॉर्नर होते ही नहीं है, तो क्रैक कहां से होगा। इसके अलावा जो गोल टैंकर्स होते हैं वो ट्रक को एक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, जिससे टैंकर और ट्रक की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।